Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. Our today's topic of Ayurveda is Dashmool, Laghu Panchmool. Before starting, I would like to thank you all for your support. And इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है दशमूल। होप आपने हमारी लास्ट वीडियो मिश्रगण पे ज़रूर देखी होगी और उससे आपको ये पता लग गया होगा कि दशमूल अद्भुतगण में आती है। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं दशमूल के क्या गुणकर्म है। दशमूलम त्रिदोषग्नम श्वासिका शिशिरोरुझ तंद्राशोथ ज्वर आना पार्श्वपीड़ा अरुचिर अरित। त्रिदोष को हरता है श्वास काश शिरोरुझ, मतलब शिर में जो पीड़ा होती है, तंद्रा शोथ ज्वर आना पीठ में अफरा, पार्श्व पीड़ा जो लेटरल साइड में जो पीड़ा होती है, और रुचि खाने में हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, उन सब का ये नाश करता है। ये अकॉर्डिंग टू भाप्रकाश निकंतु गुरुच्यादि वर्ग में है। पंचमूल में दो चीज़ आती हैं, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लघु पंचमूल। तत्र त्रिकंटक बृहति द्व पृथक पर्णयो विदारी गंधा च इति कन्नी है। त्रिकंटक यहाँ पे गोक्षुर के लिए प्रयोग हुआ है। बृहति द्वय में बृहति और कंठकारी दोनों का समावेश हो जाता है। पृथक पर्णयो प्रश्नी पढ़ने के लिए प्रयोग किया गया है। विदारी गंधा शाल पढ़ने के लिए यूज़ किया गया है। कनीह लघु पंचमूल के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू भाप्रकाश शालपर्णी प्रश्निपर्णी वार्ता की कंठकारिका गोक्षुर पंचभिश्चयति कनिष्ठम पंचमूलकम। वही उन्होंने भी पांचों कंटेंट्स बताए हैं और उन्होंने वार्ता की का प्रयोग किया है जो बृहति का सिनोनिम है। तो आइए अब हम जानते हैं इन सभी प्लांट्स के बारे में। बृहति का लैटिन नेम है सोलानम इंडिकम, फैमिली सोलानेसी। कर्म जो मतलब जिसका वर्ग है वो कासर है। उष्णवीर्य कटु विपा कंठकारी सोलानम सुराटेंस फैमिली सोलानेसी। कर्म कासर उष्णवीर्य कटु विपा। शालपर्णी डेस्मोडियम गैंगेटिकम फैमिली लेग्युमिनेसी और उपवर्ग में है पैपलिनेशी। कर्म अंगमर्द प्रशमन वीर्य उष्ण विपाक मधुर। प्रश्निपर्णी यूरेरिया पिक्टा लेग्युमिनेसी फैमिली अंगमर्द प्रशमन उष्ण वीर्य मधुर विपाक। गोक्षुर ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस जाइगोफिलेसी फैमिली मूत्र विरेचनीय वर्ग शीत वीर्य और मधुर विपाक। आपको लास्ट में बताऊंगी कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं। कुछ सामने आपको एक कॉमन ऑर्डर भी दिख रहा होगा। और आइए अब हम जानते हैं लघु पंचमूल के गुणकर्म। कषाय तिक्त मधुरम कन्या पंचमूलकम वातकनम पित्तशमनम ब्रह्मनम वल वर्धनम। जो लघु पंचमूल है वो कषाय तिक्त मधुर रस प्रदान होता है, वात पित्त शामक होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ब्रह्मन और फलवर्धक होता है। अकॉर्डिंग टू भाप्रकाश ये रस में मधुर होता है, वही पित्तवार शामक होता है। ईषद उष्ण मतलब ज़्यादा उष्ण नहीं होता है, ब्रह्मन करता है, ग्राही है, जर श्वास रोग और अश्मरी रोग नाशक है। तो ऊपर आप प्लांट्स देख रहे होंगे जो बृहति और कंठकारी है वो दोनों ही सोलानेसी फैमिली के हैं। शालपर्णी प्रश्निपर्णी दोनों ही लेग्युमिनेसी फैमिली के हैं और गोक्षुर है वो है जाइगोफिलेसी फैमिली का। तो इसमें दो दो के ग्रुप बन रहे हैं। बृहति कंठकारी दोनों सोलानेसी फैमिली के हैं। दोनों का कर्म जो कॉमन वर्ग है वो है कासर। दोनों उष्ण है, दोनों कटु विपाक है और सिर्फ गोक्षुर है जो शीतवीर्य है, बाकी सब उष्णवीर्य है। बृहति कंठकारी कटु विपाक की हैं, बाकी सब मधुर विपाक की हैं। और शालपर्णी प्रश्निपर्णी दोनों के आगे पर्णी लगा है तो कुछ कुछ कॉमन होगा इनमें। तो ये लेग्युमिनेसी फैमिली के हैं और दोनों ही अंगमर्द प्रशमन करते हैं, दोनों ही उष्णवीर्य हैं और जो गोक्षुर है वो मूत्र विरेचनी है, शीतवीर्य है और मधुर विपाकी है। तो तीन जो है वो मधुर विपाकी है। लास्ट के शालपर्णी प्रश्निपर्णी गोक्षुर।
अबृहतिकारी कटु उष्ण है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखेंगे तो हमें एक ग्रुप भी दिख रहा है बनता हुआ और हमें याद भी हो जाएगा। वीडियो को लंबा ना करते हुए अब मैं यहीं एंड करती हूँ। बृहत पंचमूल हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिस पे आप हमसे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं।